दोस्तों, दो दिन पहले कमलेश तिवारी जी की दिन दहाड़े बहुत ही बर्बरता से गला रेतकर हत्या कर दी गई। कल कमलेश तिवारी की हत्या को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा लिया और खुलासा किया कि कमलेश की हत्या उनके 2015 में दिए गए एक बयान की वजह से हुई। कमलेश तिवारी ने दरअसल, आपको बता दें, 2015 में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसीलिए आईसिस से लेकर देश में कट्टरपंथी सोच रखने वाले मौलाना कमलेश की जान के दुश्मन हो गए। 2015 में जो भड़काऊ भाषण मृतक ने दिया था, उसी के मद्देनजर इन लोगों ने उसकी हत्या कराने की कोशिश हत्या की। हालांकि 2015 में जब उन्होंने ये बयान दिया था, ये जो टिप्पणी की थी, उसके बाद में उन पर रासुका लगाया गया था अखिलेश सरकार के द्वारा। एक साल तक उनको जेल भी हुई, सजा भी हुई, बाद में उन कोर्ट ने उनको राहत भी दी, लेकिन फिर भी कट्टरपंथियों ने साजिश रचकर उनकी इतनी बर्बरता से हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सूरत में मौलाना मोहसिन शेख सलीम, फैजान और रशीद अहमद खुर्शीद अहमद पठान, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और इन तीनों ने ही अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। इस घटना के बाद में सोशल मीडिया पर काफ़ी मशहूर काजल शिंगाला जी ने जब कमलेश तिवारी जी के लिए इंसाफ की मांग की, तो कुछ कट्टरपंथियों ने उनको तक जान से मारने की धमकी दी। हालांकि इस संदर्भ में उन्होंने यूपी पुलिस, गुजरात पुलिस के पास में कंप्लेंट दर्ज कर दी है और इंडिया टीवी ने भी इस संदर्भ में एक न्यूज़ पब्लिश की है। और देखिए, पुलिस भी आगे जांच कर रही कि क्या इस हत्या में और भी कुछ लोग शामिल थे या नहीं। योगी आदित्यनाथ जी ने भी आश्वासन दिया है कि इस प्रकार के जो कट्टरपंथी मानसिकता है, ऐसी मानसिकता को कुचल कर रख दिया जाएगा। भय और दहशत का माहौल पैदा करने वाले जो भी तत्व होंगे, सख्ती के साथ उनके मंसूबों को कुचल करके रख देंगे। इस प्रकार की किसी भी वारदात को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। आश्चर्य देखिए दोस्तों, इस घटना के बाद में एनडीटीवी जैसा इतना बड़ा मीडिया हाउस, वो कमलेश तिवारी जी को फ्रिंज कहकर संबोधित करता है, फ्रिंज। और यही एनडीटीवी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को वर्कर्स कहकर संबोधित करता है। चलिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर इस प्रकार से जो कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई है, उसके पीछे का मूल कारण क्या है, मूल वजह क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसी घटनाओं के पीछे की मुख्य वजह यह है कि कुछ रिलीजन्स में ब्लास्फेमी को एक बहुत ही जघन्य अपराध माना जाता है। कुछ देशों में तो ब्लास्फेमी के लिए मृत्युदंड की तक सजा है, पर अगर हम हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति की बात करें, तो हमारे देश में ब्लास्फेमी का कंसेप्ट कभी रहा ही नहीं है। ब्लास्फेमी के लिए संस्कृत या हिंदी में आपको कोई भी शब्द तक नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई कंसेप्ट हमारे देश में रहा ही नहीं है। हमारी संस्कृति हमें जीव को शिव बनने की कला सिखाती है, मोक्ष का मार्ग बताती है, जो कैवल्य स्थिति हम जिसे कहते हैं, या आत्म साक्षात्कार कहते हैं, या आत्मज्ञान कहते हैं, या अपने निज स्वरूप को जानना हम कहते हैं, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन स्थिति वही है। वहाँ तक जाने के मार्ग अलग अलग है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, लेकिन सभी का जो अंतिम जो लक्ष्य है वो यही है कि अपने निज स्वरूप को जानना, आत्म तत्व को जानना। यानी देखिए, ये आत्मज्ञान या मोक्ष क्या है कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यहाँ पर जो भी जो वृत्तियाँ उठती है हमारे अंदर, वो वृत्तियाँ जिस तत्व से उठती है, वो अजर अमर तत्व हम खुद है, वो अविनाशी तत्व हम खुद है, वो सच्चित आनंद परमात्मा तत्व हम खुद है। उसे आप परमात्मा कहिए, शिव कहिए, सच्चित आनंद तत्व कहिए, या आत्मा कहिए, जो भी कहिए, उसी को हम ईश्वर मानते हैं। वो तत्व हम खुद है, और अगर वो ईश्वर तत्व हम खुद है, तो हम हमारी ही निंदा करने की सजा हम खुद को ही कैसे देंगे। इसलिए भारत में कभी भी ब्लास्फेमी का कोई कंसेप्ट रहा ही नहीं है, और हमारी सभ्यता में ये माना ही नहीं जाता कि ईश्वर कहीं ऊपर बैठा हुआ है और वो हमारा कोई भला करेगा। नहीं, वो ईश्वर तत्व हम खुद है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये हमारे वेदों के जो महावाक्य है, वो सभी एक ही बात कहते हैं कि वो तत्व हम है, और उस स्थिति को प्राप्त करना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। और पूरे विश्व में केवल हमारी ही संस्कृति ऐसी है जहाँ पर आप ईश्वर से भी तर्क कर सकते हैं, ईश्वर से भी सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। आप श्रीमद् भगवद गीता को ही ले लीजिए, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं, तर्क करते हैं। तो ये तर्क करने का, भगवान से सवाल पूछने का अधिकार हमारी ही सभ्यता में मिलता है। केवल श्रीमद् भगवद गीता की ही बात नहीं, आप कोई भी हमारे शास्त्र ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, ज़्यादातर शास्त्रों में, ग्रंथों में प्रश्नोत्तरी ही है। कहीं पर माता पार्वती भगवान शिव जी से सवाल पूछ रही है, तो कहीं पर भगवान राम जी वशिष्ठ जी से सवाल पूछ रहे हैं। पर कुछ रिलीजन्स में ब्लास्फेमी को एक बहुत ही जघन्य अपराध माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ देशों में ब्लास्फेमी के लिए मृत्युदंड की तक सजा है, ऑफिशियली तो अनऑफिशियली ही ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलती है। जैसे कि पाकिस्तान से हम कई बार सुनते हैं कि ब्लास्फेमी की वजह से किसी एक व्यक्ति को या किसी एक लड़की को हज़ारों लोगों ने घेर कर मार दिया हो, इसी वजह से तस्लीमा नसरीन जी या तारिक फतेह जी उनके देश में नहीं रह पाते।
या शार्ली हेब्दो जैसी घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है, जहां पर कुछ पत्रकारों ने बस एक व्यंग्य चित्र निकाला था, इस वजह से आतंकवादियों ने उनके ऑफिस में घूमकर उन पत्रकारों को गोलियों से भून दिया। और ये केवल अभी नहीं, पिछले 2000 सालों में हमें ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिलती है, जैसे कि यहूदी समाज को, ज्यू समाज को यीशु ख्रिस्त की हत्या का जिम्मेदार माना जाता है और इस वजह से अनगिनत यहूदियों का कत्लेआम हुआ है। और चलिए, ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, भारत के गोवा इंक्विजिशन का आप उदाहरण ले लीजिए। इंक्विजिशन का मतलब होता है एक ऐसा कानून जिसमें जो रोमन कैथोलिक चर्च की मान्यताओं में विश्वास नहीं करते हैं उनको ढूंढकर उनको सजा दी जाती है। तो गोवा में ये इंक्विजिशन का कानून 250 साल तक पुर्तगीजों ने लागू किया था, 250 सालों तक, यानी अनगिनत जो इस भारतीय सनातन संस्कृति में विश्वास करने वाले ऐसे गोवा के जो लोग थे, ऐसे अनगिनत लोगों को जिंदा जलाया गया था, मृत्युदंड की सजा दी गई थी, हजारों हजारों मंदिरों को तोड़ा गया था। तो ये पिछले 2000 सालों में ऐसी कई सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। और दुनिया में कई सारे लोग आज भी ब्लास्फेमी के लिए मृत्युदंड की सजा की मांग करते हैं, भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं। इसलिए 2015 में जब कमलेश तिवारी जी ने ये बयान दिया था, ये टिप्पणी की थी, उस समय कुछ मौलानाओं ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया था और ये वो वीडियोस भी अवेलेबल है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये कहा था कि सरकार उनको फांसी की सजा दे, मृत्युदंड की सजा दे, और सरकार अगर नहीं देगी तो हम खुद उनको मारेंगे, ये उस समय कहा गया था। या पश्चिम बंगाल के मालदा में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था, हजारों हजारों लोग रस्तों पर उतरे थे, कई सारे दुकानों को जलाया गया था, इसी कमलेश तिवारी जी की टिप्पणी की वजह से। तो कुछ लोग अभी भी ब्लास्फेमी के लिए मृत्युदंड की सजा की मांग करते हैं। अब देखिए, हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति में ब्लास्फेमी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर M.F. हुसैन जैसे चित्रकार जब हमारे हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र निकालते हैं, नंगी तस्वीरें निकालते हैं, तो कांग्रेस सरकार उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देती है। और जब लोग उनसे सवाल पूछने लगे थे कि ऐसे चित्र आप क्यों निकाल रहे हैं, तो वो देश छोड़कर चले गए, कतार की नागरिकता उन्होंने ले ली। अब उन्होंने कतार की नागरिकता क्यों ले ली, ये मुझे सच में समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, अपशब्द कहे थे, वे अभी विधायक है। तो लोग तो उनसे भी सवाल पूछते हैं कि आपने ऐसी टिप्पणी क्यों की थी, लेकिन उन्होंने तो देश नहीं छोड़ा, पर M.F. हुसैन जी ने देश क्यों छोड़ा, ये सच में मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन चलिए, इन सारी घटनाओं से आमिर खान जी या फिर नसरुद्दीन शाह जी को इतना तो पता चल गया होगा कि हमारी भारतीय सभ्यता कितनी टॉलरेंट है, कितनी सहिष्णु है। इस भारत भूमि ने हजारों हजारों सालों से प्यार और भाईचारे की मिसाल पेश की है। जब पूरी दुनिया में यहूदी और पारसी समाज पर अन्याय अत्याचार हो रहे थे, तब केवल वे भारत में ही सुरक्षित थे। इतनी महान हमारी भारतीय सभ्यता है। इसलिए PK जैसी फिल्म में जब भगवान शिव जी की वेशभूषा पहने हुए एक पात्र को बहुत ही लाचार होकर बाथरूम में इधर उधर दौड़ते हुए दिखाया जाता है, उनको चप्पलों के बीच में रेंगते हुए दिखाया जाता है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें PK फिल्म में दिखाई है, लेकिन फिर भी आज भी आमिर खान जी की फिल्में भारत में सैकड़ों सैकड़ों करोड़ कमाती है, भले ही वो फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी ही क्यों ना हो, तो अभी भी देश उनको इतना प्यार दे रहा है। तो इतनी महान हमारी सभ्यता है, हमने हमेशा सहिष्णुता की, प्यार की और भाईचारे की मिसाल पेश की है। लेकिन एक बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए कि इस सभ्यता की रक्षा के लिए, हमारी इस भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर हमारी ये संस्कृति, हमारी ये सभ्यता बच पाई है। फिर चाहे गोवा इंक्विजिशन के समय अनगिनत लोगों ने अपना बलिदान दिया हो, या फिर गुरु तेग बहादुर जी, चार साहबजादे, बंदा सिंह बहादुर जी, भाई दयाल दास जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, छत्रपति संभाजी महाराज जी, महाराणा प्रताप जी, महाराणी वेलु नौचियार जी, राजा सिकरणी लक्ष्मीबाई जी, रानी अबक्का जी, ऐसे जो जिन्हें हम धरती की देवी देवता कह सकते हैं, ऐसे अनगिनत करोड़ों करोड़ों लोगों ने हमारी इस सभ्यता की, इस संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, तब जाकर आज हमारी इतनी महान सभ्यता बच पाई है। और आखिर में मैं योगी आदित्यनाथ जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस हत्या के लिए जिम्मेदार है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और आगे से ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए कानून व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पिछले कुछ महीनों में हमें ऐसी कई सारी घटनाएं सुनने को मिल रही है। तो कानून व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार होना चाहिए, और जो ये जिन आरोपियों को पकड़ा गया है, जिन्होंने ये हत्या की है कमलेश तिवारी जी की, वो देखिए भगवा वस्त्र पहनकर ये हत्या करने के लिए गए थे, यानी वो कुल मिलाकर जो हिंदू सभ्यता है, हिंदू समाज है, उनको बदनाम करने का उनका उद्देश्य था। लेकिन जो ऐसे समाज में नफरत और जहर फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम।